आईएसआई से। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत, आप कैसे हैं? अल्लाह का मुराद भाई। ज़हन नसीब। सलीम भाई आपके बारे में पाकिस्तान में बहुत चर्चे सुने हैं। सुभान अल्लाह, हमारे चीफ चाहते हैं इस ड्रग्स के धंधे को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दो आप। बेशक, मैं आपकी इस काम में पूरी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका कोकीन और यह ड्रग्स हर बच्चे की नस नस में भर दूंगा। इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मस्तान, मस्तान का नाम हमने हिंदुस्तान में सुना है, वो हमारे इस कारोबार में रुकावट डाल सकता है। मस्तान, उसकी आप चिंता मत करो, वो मेरा काम है, उसको मैं हैंडल करूंगा। ठीक है सलीम भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मेरे मुल्क को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाना। लो यार, आ गए अपने कॉलेज के रजिया सुल्तान। आय हाय। हाय एवरीबॉडी। हाय, हाउ आर यू ऑल? फाइन। आई एम आल्सो फाइन। ये लो, आ गई न्यू आइटम। हे यू, कम बेबी। फ्रेशर। ए, देख, अब आलिया सही लेगी इसकी। हुस्न की दुकान, बोल क्या है तेरा नाम? हेमा। मालिनी। मतलब शोले की बसंती। चल बसंती,
धन्नो का डायलॉग सुना। बहुत खूब जियो डार्लिंग, बहुत कुत्ती चीज निकली। हेलो। हंसी मजाक बहुत हो गई। हाँ भाई, पार्क के नुक्कड़ पे आ जा। आता हूँ भाई। सलाम अलैकुम, तशरीफ रखिए। और चौधरी साहब कैसे हैं? कहो सलीम मियां, कैसे याद किया मस्तान भाई को? वक्त आ गया है कि हम तीनों अपनी दुश्मनी भुलाकर क्यों ना हाथ मिला लें। ये बात मुझसे नहीं, चौधरी से कहो। सलीम भाईजान, दुश्मनी तो मस्तान रखता है, हम तुम तो पहले भी दोस्त थे। चौधरी साहब शांत हो जाइए, मेरे हाथ कुछ ऐसा आया है जो हम सबको एक दिन हजार गुना माला माल बना देगा। खेड़ा जी भाईजान, लाओ। लाया भाईजान, ये लीजिए। सलीम भाई, ये क्या है? ये व्हाइट सोना है, कोकीन। कोकीन? सलीम मियां, तुमने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है। मैं तुम्हें ना तो ये कारोबार करने दूंगा और ना खुद करूंगा। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मुसलमान का मतलब जानते हो? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान। मैं ऐसी गिरी हुई हरकत ना करूंगा, ना तुम्हें करने दूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। एक तो एसीपी रंधावा ने नाक में दम कर रखा है और अब तुम भी। ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना चौधरी को। सलीम भाई, चौधरी को तो पैसे से मतलब है। ये मस्तान गया भाड़ में। खेड़ा इधर आ। अच्छा सलीम भाई जी, चलता हूँ। सलाम। सलाम भाईजान। सलाम सलाम। खुदा का शुक्र है, सब ठीक हो गया। क्या हाल है भाई? चिंता मुझे नहीं, तुझे करनी चाहिए। काम कर ले, वरना इस बारिश और आराम के लाले पड़ जाएंगे। ये ले माल, पकड़, धंधे पे लग जा। ओके भाई। हाय। हे, और क्या चल रहा है? लकी और राज का कुछ पता है? हाँ यार, बात हुई तो थी फोन, दोनों साथ में आने वाले थे, आए नहीं अभी तक। अच्छा चलो, शेरो शायरी हो जाए। खोल दे किसके लिए अपने होंठ, नहीं तो दिखा दूंगा अपना जोश। जारी कर दे ये फरमान, आई लव यू मेरी जान। ओ अच्छा, तुम तीनों में से जो सबसे पहले मुर्गा बनकर 10 कदम चल के मुझे छुएगा, वही मेरी किसका हकदार होगा। मैं। Hey, come on guys. Hey, संभल के। No. Cheating. This is not fair. छोड़ो. अच्छा रुको बाबा। अब तो दे दो मैडम। ले लो। अबे ये कहां गई? माल पहुंच गया।
इस इलाके के हर कॉलेज में अपना नेटवर्क तेज कर दो। और हाँ, हमारे कुछ विदेशी एजेंट माल लेकर आने वाले हैं, उनका ध्यान रखना। वरी, मैं सब संभाल लूंगा। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, घर की याद आ रही है। मैंने जो ये पैसा तुम्हें घर भेजने के लिए दिया था, भेजा नहीं भेजा? हाँ वो भेज दिया। तो किस बात की आपको टेंशन है? तुझे क्या चाहिए? तू आवाज कर, मैं तेरे को सब चीज ला के दूंगा। ये शहर देख रही है ना, ये शहर मेरा गुलाम है। जिस चीज की तुझे जरूरत होगी आवाज करना, तेरे कदमों में होगी। समझे माय डियर? मैंने खेड़ा को पूरे बॉयज कॉलेज है उसकी पूरी जिम्मेदारी दी है, और तू सिर्फ गर्ल्स कॉलेज को हैंडल करना। मैंने यहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य कायम करना है। यहाँ के बच्चे बच्चे में मैंने ड्रग्स का जहर घोलना है। आज मैं तुमको पहला कंसाइनमेंट दूंगा और तुम काम पे लग जाना। ये रहा पहला कंसाइनमेंट। ऑल द बेस्ट। अब ये ड्रग्स इन हिंदुस्तानियों से नहीं रहेगी अनछुई। टाइम पर आई है। ओह थैंक गॉड। व्हाट इज दिस? इन दोनों को क्या हुआ है? तुम्हें देखकर इन दोनों को लकवा मार गया है। बट ये दोनों हैं कौन? मैं आपका दीवाना। और मैं आपका। हट। हैं? चल दीवाने परवाने को मार गोली, मैं तुझे कॉलेज दिखाती हूँ। वाओ चल। अरे ओए सुन, भाभी है तेरी। नहीं यार, ज्यादा आलियो को तिल्ली छोड़ा है ना। यार ज्यादा अच्छी है, मेरे को दोनों चाहिए। एक। अच्छा ठीक है। हाय हाय। हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा दूर रहें जरा। हेलो, काम के टाइम में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हेलो जी, काम के टाइम में मुझे मजाक पसंद नहीं है, समझी? कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, समझी? समझदार स्टूडेंट्स हैं आप, काफी कुछ जानते हैं ड्रग्स के बारे में। आप जानते ही हैं ड्रग्स एक मीठा जहर है और इसको इस्तेमाल करना अपने लाइफ को खराब करना है। जो भी ड्रग्स को तुमने आज तक सुना होगा, पढ़ा होगा, जो भी ड्रग्स यूज करता है उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो आपको मैं आज यही एडवाइस करूंगा, से नो ड्रग्स एट ऑल, नो ड्रग्स। Thank you.
मस्तान भाई, इस घोड़े की सफाई करते रहते हो, ये घोड़ा कभी चलता भी है या ऐसे इसकी सफाई करते रहते हो? ये चलता भी है, दौड़ता भी है, तब चलता है जब किसी की जान बचानी हो। ये किसी पे जुल्म नहीं करता, जुल्म हो रहा हो तो ये उसकी मदद। मस्तान भाई, ये औरत आपसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा मस्तान भाई, मस्तान भाई, मेरी मदद करो, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं एक बनिए के पास भी गई, लेकिन उसने एक दाना देने से भी मना कर दिया। बताओ मस्तान भाई, मैं क्या करूँ? मेरी लड़की की शादी है, आप ही मेरी मदद करो। बहन, मेरा नाम है हीरा मस्तान, गरीबों और मजलूबों की मदद करना मेरा काम, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे। बल्लू भाई, जी भाई जान, इस औरत की बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सारा खर्चा हमारी तरफ से। ये सारी धन दौलत किसके लिए है? ये गरीबों की मदद करने के लिए है, हम लोग क्या साथ लेके जाएंगे? जाओ इसकी मदद करो। शुक्रिया भाई जान। जाओ बहन, फिक्र मत करो, जाओ। जी भाई। चलो बहन। सलाम मस्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो राहुल ने कॉलेज में ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया है। क्या? वो चौधरी का आदमी है ना खेड़ा, वो राहुल को ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। या खुदा, जिसका डर था वही हुआ। ये चौधरी पैसे की लालच में कहां तक गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो पहले बच्चों को फ्री में या कम पैसों में ड्रग्स देता है, और जब उन्हें आदत पड़ जाती है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम फिक्र ना करो, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहना, मैं सब देख लूंगा। मैं इन समाज के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। कोई नया सामान आया है क्या? नया सामान अभी तो ढूंढो मैडम, ढूंढो। अरे आजकल तो नेट पर हर चीज मिल जाती है, लेकिन उसमें धोखा हो सकता है। यू डोंट वरी चौधरी साहब, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, फिर वो चाहे इंटरनेट हो या फिर एंटरटेनमेंट। और तुम तो जानती हो हमें अनटच, अनछुई चीज चाहिए। पैसे की चिंता मत करना, मुंह मांगा दाम दूंगा। वैसे आपकी चॉइस का एक अनटच्ड आइटम है मेरे पास, पर उसकी डिमांड कुछ ज्यादा है। अरे तो जल्दी मिलवाओ ना मैडम, हर डिमांड पूरी की जाएगी। मैं अभी उससे बात करके देखती हूँ। चल 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 चल, शूट शूट शूट। ओए पास पास दे, पास दे, पास। तुम सब यहाँ खेल रहे हो? राहुल मैं सबको ड्रग्स दे रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, व्हाट? राहुल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब उसकी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगा। चल सरदार। चलो चलो चल सरदार।
तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ऐसा क्या किया है मैंने? ज्यादा बनने की कोशिश मत कर लक्की। तू फ्रेशर्स को ड्रग्स करा रहा था ना? किसने कहा? यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शक है तो जाकर देख सकते हो। बेटा देखेंगे तो हम जरूर। अच्छा अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तो यही थे सब लोग। ओ शिट यार, ये क्या हो गया? ओ नो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ जमीन का भी आसमान। शिट, राहुल ने अपना पत्ता खा ही लिया। ओफो, चलो यार। देख लिया, हो गई तसल्ली। मुझे तो तुम्हें खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और तुम सबको आना है। सॉरी राहुल। सॉरी यार। इट्स ओके, इट्स ओके। ओके यार, ओके भाई, ओके जरूर आना। चलो चल चल। गिरफ्तार कर लो इसे। कौन है भाई? तुम्हारी तो नहीं। सलीम ये कोशिश गलती से भी मत करना। रंधावा ये तूने अच्छा नहीं किया। तू क्या, तेरे खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सलीम पाशा आकसम खाता है। ये तो समय बताएगा सलीम। चलो उस्तान। सलीम मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। मस्तान ये तूने ठीक नहीं किया। एक मुसलमान होकर तूने एक मुसलमान को धोखा दिया। सलीम तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान तो वो है जो अपने ईमान का पक्का होता है। रंधावा पहले मैं तुझे देखूंगा, उसके बाद मस्तान तेरी खैर नहीं। सलीम मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चल देख लेंगे। माय लॉर्ड, आज दिन में 2 बजे एसीपी रंधावा ने अपने मुखबिर की इंफॉर्मेशन पर पुलिस दल के साथ सलीम खान वल्द इरफान खान के ठिकाने पर दबिश डाली और सलीम खान को रंगे हाथों 5 किलो सफेद पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को यकीन है यह पाउडर ड्रग्स है, जिसे केमिकल जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी के लिए पुलिस सलीम खान को 15 दिन के रिमांड पर लेना चाहती है। 15 डेज रिमांड इज ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न टिल नेक्स्ट हियरिंग। महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। एसीपी रंधावा का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे गिरफ्तार करके हमें सौंप दिया। क्यों सलीम, कैसी रही तेरी मीटिंग पाकिस्तानी एजेंटों से? बोलना, बताना। क्यों, अब तो सच सच बताएगा अपने ड्रग्स के धंधों के बारे में, पाकिस्तान के एजेंटों के बारे में, अपने बारे में? कीमत बोल, क्या चाहता है मुझसे? पहले तू अपना सच बता, उसके बाद देखता हूं अपनी कीमत क्या बोलूंगा।
जब तू मेरा साथ देने को तैयार है तो मैं तुझे सब बताने को तैयार हूँ। गुड सलीम, तू लिखना चालू कर। यही है मेरी कहानी। ओह, साइन कर। अब तो कीमत बोल। कीमत ग्राहक लगाता है, चीज बेश कीमती होती है। 5 करोड़ सुनाई नहीं देता, आवाज नहीं आती। 10 करोड़ सुनकर कुछ मजा सा नहीं आया। 25 करोड़ अब तो यकीन हुआ। डिलीवरी की लोकेशन तुझे बाद में बताता हूं। केस तो मैं तेरा हल्का कर दूंगा, लेकिन बाहर बहुत से लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा देख कर समझ कर निकलना, वरना अरे नोटिस बोर्ड पर भीड़ कैसी, जाके देखो ना। चलो देखते हैं। आओ चलो चलते हैं, कम ऑन, सब देखते हैं, आ जाओ। अरे तेरे की, अरे ये इंस्पेक्टर चौहान काम का है और जेल में मेरा आदमी है। जेल में मेरा पूरा ख्याल रखता है। भाईजान, आपकी रिहाई की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। नहीं खेड़ा, अभी मेरा बाहर आना मुनासिब नहीं है। वो चौधरी खुद को शहर का बादशाह समझ रहा है। तक मैं जेल में हूँ, तुमको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि उसकी हर बात मुझ तक पहुँचती रहे। आप जैसा मुनासिब समझे। अच्छा भाईजान, चलता हूँ। राहुल भाई, एक सिगरेट दे मुझे, मेरा गला बहुत सूख रहा है। आज पैसे नहीं है, कल ले लेना। भाई पहले भी तो पैसे देता आया हूँ ना, कल दे दूंगा पैसे। रोकड़ा अपना तो एक ही उसूल है, एक हाथ दे एक हाथ ले। भाई कल दे दूंगा, प्लीज आज दे दे, प्लीज भाई। भाई हेलो, राहुल, 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 हाँ राहुल,
लोगी, रोकड़ा लाइयो। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। चीज जाने मन, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पास कितनी कीमती चीज है। अपना तो एक ही उसूल है, एक हाथ दो, एक हाथ। मुझे नहीं पता, मुझे बस एक सीक्रेट दे दो, मुझे जो मर्जी हो वो कर। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू इस मासूम लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था ना? हॉट लकी, वो खुद मेरे पास आई है। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। और अपना तो एक असूल है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो तेरे जैसे कमीने के लिए भी अपना एक असूल है, एक हाथ दे और दो लात दे। आ, 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 देख लूंगा तुझे तो मैं, देख लूंगा। चल निकल। कॉल क्यों नहीं लग रहा है? ओफो, तुम क्या हुआ आलिया? बहुत परेशान लग रही है। नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबी? बेबी कब से हो गया मैं तुम्हारा? अरे नहीं लकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। उफ। हेलो। हाँ मैंने कहा ना माल आ जाएगा तो मैं फोन कर लूंगी। ठीक है, जैसा भी होगा ना। हाँ ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं फोन कर लूंगी। बाय। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच। This is not done, God. This is not done. मुझे जो कुछ भी अच्छा लगता है वो तू मुझसे छीन लेता है God. पहले परिवार छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने आलिया दी तो लगा लकी का लक वापस आ गया है। अब तूने वो भी छीन लिया God. और वो भी छीन लिया। अब नहीं, ये बंदा ना रुकेगा और ना टूटेगा। माँ, माँ इतना अंधेरा क्यों है? माँ, माँ क्या हुआ? माँ बोलती क्यों नहीं? बोल ना माँ, क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं है माँ? मैंने आज तक तुझसे एक सच छुपाया है कि तेरा बाप इसी शहर में रहता है। माँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तू मेरी माँ है। मैं तेरे बाप की सच्चाई नहीं जानती थी। बहुत लोगों ने मुझे बताने की कोशिश करी लेकिन मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन तेरे बाप की सच्चाई खुद मेरे आंखों के सामने आई और उस दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं तेरे ऊपर तेरे बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन माँ आज ही सब कुछ क्यों? क्योंकि आज तेरे। अरे ये रोक, गाड़ी साइड लगा। मालती, मालती,
मालती, तुम जिंदा हो? तुम? इसका मतलब मेरा बेटा भी जिंदा है। मालती, प्लीज मालती मेरे बेटे से मुझे मिला दो। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ मालती। मैंने जो दौलत का अंबार खड़ा किया है, ये तुम्हारे लिए है, ये हमारे बेटे के लिए है। मालती, घर लौट आओ। मालती, घर लौट आओ। चलो घर चलो मालती। तुम कल भी वैसे थे, तुम आज भी वैसे ही हो। मैं अपने बेटे पे तुम्हारा दाग कभी नहीं पड़ने दूंगी। आप चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी में वापस आना। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई दौलत। तुम अपने पास रखो अपने पाप की कमाई। माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं जब से पैदा हुआ हूं बस तुझे ही देखा है। तू ही मेरा भगवान है मां। आज वो जान चुके हैं कि हम जिंदा हैं और वो तुझ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, और उस दिन तुझे फैसला लेना होगा। मां, राज, तुम्हारे पेपर तो ठीक गए हैं ना? फिर तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे, कहाँ खोए हुए हो? अरे सिमरन। हाँ जनाब, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या सोच रहे थे, बोलो ना। बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? सोच रहा था कि कुछ बात है, तुम्हें बताऊं या नहीं? अगर बताता हूं तो तुम बुरा मान जाओगी, और अगर नहीं बताता हूं तो तुम्हारे साथ में गलत करूंगा। कहते हैं कि प्यार में कोई राज की गुंजाइश नहीं होती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दो दिलों के बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए। प्यार में राज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिमरन, मेरा बाप इस शहर का बहुत बड़ा डॉन है, जिसका नाम है बलवंत राय चौधरी। क्या? बलवंत राय चौधरी? तब मेरी एक आंटी मुझे मदद के लिए तुम्हारे पापा यानी बलवंत राय चौधरी के पास लेकर गई। ये है सिमरन। हेलो सर। बैठो। जी शुक्रिया। मैडम, इसको सब कुछ समझा दिया है ना? जी हाँ, मेरे डैड का ऑपरेशन होना है, उसके लिए 10 लाख रुपए अभी चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 10 नहीं 11 लाख मिलेंगे। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। मेरी बातों का सही सही जवाब देना। चौधरी को झूठ से बहुत सख्त नफरत है। ओके। तुम अनछुई हो ना? क्या मतलब? What do you mean? मेरे कहने का मतलब यह है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये लीजिए चौधरी साहब। माल ले आए। चौधरी साहब, समझो आपका काम हो गया, पर आप इसे पहले पैसे दे दीजिए। ये अपने डैडी का ऑपरेशन होने के बाद आपके पास आ जाएगी। ये लो। पैसे लेके मैं हॉस्पिटल पहुंची, तब तक मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी।
और जब मैं चौधरी के पैसे वापस करने गई तब बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आ गई तुम? आ गई तुम? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। ये लो आपके पैसे। मेरी किस्मत में जो होना था वो हो गया। क्या हुआ? मेरे पापा की ऑपरेशन से पहले ही डेथ हो गई। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। गिन लो इनको, तुम अपने पास रखो। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। चौधरी बलवंत राय जो एक बार सौदा कर लेता है अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। इस पैसों को रखो और जो मुझे चाहिए मुझे दे दो। छमिया आज कहाँ बच के जाएगी तू? छोड़ो मुझे, कमीने, अरे तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा कैसा हो सकता है? छोड़ मुझे, आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे धरा सॉरी राज। सिमरन, केड़ा भाई अपने कॉलेज में एक लड़का है जो बहुत तंग कर रहा है, उसकी सेटिंग लगानी है। चल तेरे कॉलेज चल के देखते हैं। इनमें से लक्की कौन है? भाई वो चश्मे वाला लक्की है, इसका बाप पुलिस में था, एसीपी रंधावा। वो तो मर गया लेकिन ये अभी भी उसके नाम पर धोस जमाता है। लेकिन भाई अभी वो अपने दोस्तों के साथ में है, उसको बाद में देखते हैं। चल ये मैं क्या सोच रही थी, लक्की मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। लक्की राहुल के साथ रहना मेरी मजबूरी है,
जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होता मुझे इसी तरह राहुल के साथ रहना होगा। लक्की, मैं तेरी हूं, मैं सिर्फ तेरी रहूंगी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो एसपी रंधावा याद है? उसकी तो, उस कुत्ते को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पर भाई क्या हुआ खेड़ा, खुल के बोल, पहेलियां ना बुझा। उसका बेटा लक्की जिंदा है। लक्की जिंदा है? आपके कहने पर मैं खुद गया था चौधरी के साथ उसके पूरे परिवार को खत्म करने, पर पता नहीं कैसे उसका बेटा लक्की बच गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मस्तान को पहले से शक है ये काम चौधरी के हाथों करवाया है। इस बार वो खेड़ा के वार से नहीं बच पाएगा। खत्म कर मेरी कसम को जल्दी। आई वॉन्ट रिजल्ट। ये बड़ी बड़ी बातें पसंद नहीं सलीम को, समझा? हे राम हे राम हे राम मेरे राम। आज माँ और बहन की बहुत याद आ रही है यार। तुझे तो पता है पापा एक नारकोटिक्स ऑफिसर थे। ये मेरी जो पूरी लड़ाई है ना यार, सब उन्हीं के लिए है। हाथ से मैं सब मारे गए यार। 5 मिनट यार, 5 मिनट, 5 मिनट पहले तो मैं घर से निकला था यार। तू तो बहुत अकलमंद है बेटा, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, तेरी अकल ना घुटने में है। देखा पापा, देखा आपने, आज भी ऐसे बोल रहे हैं। देखा माँ, आज भी कैसे बोल रहे हैं मुझे भैया। हाँ हाँ, क्या बात कर रही हो, गिफ्ट लेके आया हूँ मैं तुम्हारा। ये लो, मेहता की तेरी फेवरेट पुडिंग। देखा पापा, देखा माँ, क्या गिफ्ट लेके आया भैया, इसे रखो इसे अपने पास ही। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है मैं तेरा गिफ्ट कभी भूल सकता हूँ? लाया हूँ तेरा गिफ्ट पक्का। अरे वो तो मैं शॉप पे ही भूला। अरे मैं सच में माँ, मैं सच में गिफ्ट लेके आया था। लक्की बेटा तू कब सुधरेगा, कोई बहन का गिफ्ट भी भूलता है क्या? लक्की ये क्या है बेटा, चलो दौड़ के जाओ और अपने बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। अभी गया और अभी आया। और जाओ, तू मुझे हंसती हुई दिखनी चाहिए, रोतड़ू कहीं की। शिल्पी आ गया मैं। बेटा, बेटा शिल्पी तुमको कुछ नहीं होगा।
बेटा तुमको कुछ नहीं होगा यार, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम, मेरे राम। आप मस्जिद में देकर आइए। मस्तान भाई, एक बात पूछूं आपसे? पूछो, बेखौफ पूछो। मस्तान भाई, आप ये पैकेट हर महीने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में देते हो, ये क्या चक्कर है? आपने गुरबाणी में पढ़ा होगा, अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सब में उसी का नूर है, सब में वही है। हम इंसानों ने फर्क डाला है, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, वरना सब में एक ही नूर है, सब उसी के बंदे हैं। आपकी बातें आप ही जानो। भामरा साहब, हम इन बातों में पड़े रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, ये तो लंबा किस्सा है। चौधरी साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है। आपकी पत्नी और बेटा कहाँ रहते हैं और आपका बेटा किस कॉलेज में पढ़ता है, सारी जानकारी मेरे पास है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जी सर।
देख बे, पेमेंट जल्दी भेज दे वरना तेरे को ऊपर भेज दूंगा। राहुल, राहुल, राहुल को फोन करता हूँ। हाँ खेड़ा भाई, चौधरी साहब और सलीम को पता चले उससे पहले तो पूरी पेमेंट कर दे। अभी नहीं है इंतजाम पेमेंट का। देख राहुल, दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह है। अगर चौधरी असलीम ने तेरे खिलाफ एक्शन लेने को कहा तो मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपसे जो हो सकता है कर लो। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाथ मत लगाना इसे। उठो हेमा, तुम्हें इसे हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो लकी? गिरते हुए साथी को संभालना तो हर किसी का हक है। अरे किस हक की बात कर रही हो तुम? उस हक की जो एक साथी को ड्रग्स में धकेल दे? और तुम्हें तो पता था इस जंग में मेरे पिताजी भी शहीद हो चुके हैं, फिर भी आल्या। ये तुम कैसा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अरे ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। क्या करती हो, किससे मिलती हो और कहां जाती हो? तुम्हें तो ये तक पता है कि इस कॉलेज में कितना ड्रग्स आता और कहां से आता है। और ये तो कुछ भी नहीं, तुम तो उस कमीने राहुल से भी जाकर मिली हुई हो। हाँ हाँ, मैं राहुल से मिली हुई हूँ। मैं ड्रग्स के धंधे में भी हूँ। लेकिन जानना चाहते हो क्यों? तो कल 3 बजे नदी के किनारे मिल जाना। हाँ यार राज, अरे कहाँ है यार, कब से ग्राउंड में बैठा हूँ। अगर पास ही है तो जल्दी आ जा, 2 मिनट में मेरे पास जल्दी आ जा। समझाया था ना, तूने खेड़ा की धमकी को हल्के में ले लिया। बहुत बड़ी गलती की तूने। धमकी? और वो भी लकी को? तू कॉलेज में पढ़ने वाला मामूली सा लड़का है, तुझे तो ये भी नहीं मालूम तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। अबे ओ पप्पू, जब हम पैदा हुए थे ना तो नर्स ने भी बोल दिया था कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, हीरो हुआ है। ओ! तो एक ही शेर काफी है। हमें तो इस लड़की को सबक सिखाना है। अबे विलेन, तू निकल यहां से। होमवर्क तो ठीक से करके आता, कॉलेज का हर स्टूडेंट जानता है कि दोस्ती हमारी आन है और यारी हमारी शान। लकी और राज दो नहीं, एक ही नाम है। अबे ज्यादा मत फेंक, तुम दो हो या एक?
लक्की, ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है, तुम इस पे शक मत करो। ये ड्रग्स के धंधे में नहीं है। ये ड्रग्स जो ले रही है मेरे कहने से ले रही है, क्योंकि इसको ड्रग्स माफिया के अंदर घुसना है और पूरी रिपोर्ट मुझे देनी है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें दिल से प्यार करती है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तुम चाहो तो इसका हाथ थाम लो, आगे तुम्हारी मर्जी। समझाना मेरा फर्ज था। चलता हूं। अब तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। मुझ पर भरोसा करो या ना करो, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। आलिया, कल तक तेरे साए से भी नफरत, आज तेरी आंखों में डूब जाने का दिल करता है। यार हार गए यार, ये भी हार गए। हाँ मिस्टर राज। कौन? मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम आओ तो फिर सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं। और ध्यान रहे, अकेले आना। ओके, आता हूं अभी। आउच, अरे यार लग गई। चल चल okay, यार आता हूं अभी। अरे ये कहां जा रहा है? आप ही ने फोन किया था? हाँ बेटा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम चौधरी बलवंत राय है। चौधरी बलवंत राय, नाम तो कुछ सुनाओ सा लग रहा है। हाँ बेटा, मैं ही वो बदनसीब बाप हूं जो एक बेटे के प्यार के लिए तरस रहा है। माँ ठीक कहती थी, तुम जैसा इंसान ना तो किसी का बाप हो सकता है और ना ही किसी का पति। जो ड्रग्स को डील करता है और अपनी तिजोरियां भरता है। इसमें कोई शक नहीं बेटा कि मैं बुरा आदमी हूं, लेकिन इसमें सारा दोष मेरा ही नहीं, कसूर तुम्हारी मां का भी है। तू छोटा सा था, तू छोटा सा था जब वो तुझको मुझसे छीन के ले गई और मुझे अकेला छोड़ दिया। राज, बेटा मैं बहुत अकेला हो गया हूं, बहुत अकेला हो गया हूं। राज, बेटा अगर तू मेरा साथ देना तो मैं इस जुर्म की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत और तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी मां का प्यार ही सब कुछ है। तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। राज, राज,
खेड़ा, उस लड़की को देखा है? जी जी। कौन सी लड़की? वो ब्लैक कपड़ों वाली, सिमरन है। और यही मेरी अनछुई है। सपना, ए सपना, क्या हुआ? कहाँ खोई है? अपनी जिंदगी सलीम खान के चक्कर में बर्बाद कर ली, तू अपनी जिंदगी बचा ले। देख, मेरी जिंदगी तो बर्बाद करने के लिए लोग सपना देखते रहते, लेकिन कोई कर नहीं पाते। तू अपने काम से काम रख, मुझे अपना काम करने दे। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से अनछुई नहीं रह सकती। अगर मैं किसी की जिंदगी बचा पाई तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। हे भगवान, मुझे किसी अनछुई की जिंदगी बचाने का मौका जरूर देना। तुझे कैसे बताऊं सपना, मेरी पापा हॉस्पिटल आइजे, मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। मैं चाहे ड्रग्स बेचू या अपने आप को बेचू, मुझे किसी भी हाल में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा। तेरी उड़ान कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। क्यों, क्या हुआ? नीचे करनी पड़ेगी। लो, बच गया बैंड इसका। भाईजान, अब आपको बाहर आना ही होगा, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो तू वकील से बात कर और 3 दिन के भीतर मुझे जेल से बाहर निकाल। जी भाई।
सलाम वालेकुम मस्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन तुम अंदर कैसे आए? ये शेर तेरे सारे कुत्तों को ढेर करके आया है, अब तेरी बारी है। सलीम, इस वक्त मुझे नमाज पढ़नी है, इसलिए कुदरत ने तुम्हें चंद सांसों की और मोहलत दे दी है। मौत का सामान मेरे हाथ में है और तू मुझे मारने की सोच रहा है? मस्तान, जल्दी से नमाज पढ़ ले, आज ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। सलीम, मौत खुदा की गुलाम होती है, किसी बंदे के हाथ में इसकी लगाम नहीं होती। सलीम, जानता है मैं तुझसे आगे क्यों हूं? क्योंकि मैंने कुरान के साथ गीता भी पढ़ी हुई है और गीता में लिखा है कोई भी अच्छा काम करना हो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, समझे? अरे, इस लाश को ठिकाने लगा दो, दोबारा से वजू करनी पड़ेगी। एंट्री किधर है, एग्जिट किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा मेजरमेंट है। अजीम का फोन है। अरे पकाता यार, बेकार है वो। हेलो यारराज, बहुत गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ भाई राज? तू जल्दी आ जा, बहुत मारा है मुझे, चोट लगी है। अबे बात तो बता, हुआ क्या? तू जल्दी कॉलेज के बाहर आ जा प्लीज। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ। सिमरन को, सिमरन को। सिमरन? क्या हुआ सिमरन को? सिमरन के बारे में कुछ बोल रहा था यार। जरूर कुछ हुआ है, जल्दी चल। सिमरन के बारे में कुछ बता रहा था भाई, कुछ गुंडे सिमरन को किडनैप करके ले गए। क्या बात कर रहा है तू? मेरी हालत तो देख, और मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? सिमरन को कहाँ उठा के ले गए होंगे, तुझे पता है कहाँ लेके गए होंगे? सब जानते हैं, शहर के उस कोने में बसा है मस्तान का किला, खान बाड़ी, वहीं लेके गए होंगे शायद उसे। ठीक है, तू जाके अपना इलाज करा, हम देखते हैं। मस्तान, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरी खानबाड़ी को शमशान बना दूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई मेरे प्यार पर नजर डाले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल लकी। रुक राज। क्यों, क्या हुआ? मस्तान ऐसा नहीं कर सकता, यहां पे मेरा खून खौल रहा है और तू उसकी तरफदारी कर रहा है। मस्तान अल्लाह का एक नेक बंदा है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? अजीम ने अपनी आंखों से देखा है, देखा नहीं उसकी हालत क्या हुई? तू मस्तान को कैसे जानता है? आलिया ने मुझे उससे मिलवाया। आलिया ने? कल तक तुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, आज उसकी बात पर भरोसा भी हो गया? क्योंकि कल तक मुझे सच्चाई का पता नहीं था यार। सच्चाई? सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। तू बदल गया लकी,
नहीं चाहिए मुझे तेरी दोस्ती। अपनी सिमरन को बचाने के लिए अकेला ही काफी हूं। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू गुस्से में कोई गलत कदम उठाए। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये बेवजह खून खराबा क्यों? वाह लकी वाह, यार तूने तो कमाल ही कर दिया। यहां पर वो मेरे प्यार को उठाकर ले गए और तू उसे बेवजह बता रहा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा राज। देख लकी, अगर आज तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझूंगा। समझा? जा रहा हूं मैं। नहीं राज, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाथ छोड़ लकी, हाथ छोड़ लकी। नहीं राज। हाथ। या अल्लाह, मेरे मुल्क को दुश्मनों की बुरी नजर से बचाना। मस्तान बाहर निकल। कौन है तू? हाँ, और अंदर आने की हिम्मत कैसे की? मस्तान बाहर निकल। भाईजान का नाम थोड़ा अजीब से लो। आज तक भाईजान से इस तरह से बात करने की किसी ने हिम्मत नहीं की, तो तुम कौन हो? सिमरन कहाँ है? हम किसी सिमरन को नहीं जानते। चल अपने भाईजान को बुला। अल्लू खान पे हाथ उठाता है तू? बल्लू खान, राज का लक अभी तक मरा नहीं है क्योंकि लकी अभी तक गिरा नहीं है। मेरा नाम है बल्लू खान, ठोकना बजाना है मेरा काम। पहले तुझी को ठोकता हूं। रुक जाओ बल्लू। ये क्या शोर मचा रखा है? भाईजान, ये आपके बारे में अजीब ही तरह से बात कर रहे थे। सिमरन कहां है? सिमरन, क्या हुआ सिमरन को? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता सिमरन के बारे में। सिमरन को तुमने किडनैप नहीं किया? किडनैप? ऐसी गिरी हुई हरकत करना हमारे मजहब में नहीं लिखा। जानते हो यह काम किसका है? किसका है? ये काम है तुम्हारे बाप चौधरी बलवंत राय का। झूठ बोल रहा है तो? अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? और एक हकीकत तुम्हें और बताता हूं, लकी के परिवार का खून भी चौधरी बलवंत राय ने किया है। क्या? लकी यह हमको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लड़वाकर मुझे क्या मिलेगा? हाँ लकी, ये सच कह रहे हैं। अगर आपकी बात में दम है तो आज वो लंका ढहेगी और उसमें वो रावण जलेगा। हकीकत जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। चलो आओ मेरे साथ, आओ। राज, तुम सामने मत आना, तुम अपने बाप की करतूत देख न सकोगे। टीम। जी चौधरी साहब। तूने कल क्या काम करना तुझे याद है? मुझे सब याद है, मुझे क्या करना है? कल उसको भी ठिकाने लगाना है और भगेल को साथ ले जाना। जी। चौधरी बलवंत राय। मस्तान। कहाँ है माल? किस माल की बात कर रहा है मस्तान?
अरे तू तो मेरा माल कई बार पकड़वा चुका है। अरे चौधरी, वो खेल तो चोर सिपाही का था। मैं उस माल की बात नहीं कर रहा, उस माल की बात कर रहा हूँ जिसके तुम शौकीन हो। मेरे कहने का मतलब है, कहाँ छिपा रखा है सिमरन को? सिमरन? ओ, सिमरन तेरी क्या लगती है? मेरी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे बेटे का प्यार है। मस्तान, वो मेरे बेटे का प्यार नहीं, वो मेरा शिकार है, मेरा शिकार। उस दिन तो वो मुझे चकमा देकर बच निकली थी। तू जानता नहीं मस्तान, इसका और मेरा बहुत पुराना सौदा है जिसे आज मैं वसूल करूंगा। और याद रख, चौधरी बलवंत राय जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। तुम बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन ये काम मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। बताओ कहां है सिमरन? मस्तान, जिसने भी बलवंत राय से दुश्मनी की उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सारी पुलिस, सारे मिनिस्टर्स मेरी इस मुट्ठी में हैं, और ये एसीपी रंधावा उसके परिवार का मैंने सबके सामने कत्ल किया। अरे किसी ने क्या उखाड़ लिया मेरा। और सुन, तू भी यहां से चला जा, वरना इस रिवॉल्वर का सारा लोहा तेरे भेजे में उतार दूंगा। चौधरी, तो तूने मेरे परिवार का कत्ल किया था, तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए लक्की, तू लक्की होगा अपनी फैमिली के लिए, मैं तुझे आज अनलक्की बना के रख दूंगा, समझा? आज तक हम पे पड़ा ना कोई भारी, इसीलिए लोग प्यार से कहते हैं लकी अमृतसरी। चौधरी, तेरी तो मैं उठ। ये है तुम्हारा आखिरी वक्त। बस जिंदगी की यही हसरत रह गई, छूना चाहते थे जिसे वो अनछुई रह गई। आजा आलिया, जल्दी खोल मुझे। हाँ हाँ, अभी खोलती हूँ। नथिंग टू वरी। थैंक्स थैंक्स आलिया। चल जल्दी चल। माफ करना बरबूदार, मैं ये नहीं चाहता था तुम्हारे फादर का खून मेरे हाथों हो, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि इंसान जो करता है वो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ बेटे, मुझे माफ कर देना। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो फर्ज मेरे बाप को निभाना चाहिए था वो आपने निभा दिया। माँ ठीक कहा करती थी, ये अपने नाम की तरह ही झूठा है। माफी मैं आपसे मांगता हूं।